जरा मैं खलील भाई के पास आ गया था, मेरी आवाज कम ही आएगी क्योंकि यहाँ जलसा लवर वालों का ना ऊंचा जलसा ज्यादा। इधर फोनों के ना जरा ना डाटा ट्रांसफर हो रही है, देखो Assalamualaikum guys, so we are back with another vlog. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उम्मीद है कल वाला व्लॉग आप सबने देख लिया होगा, तो नहीं गजब बेइज्जती है। आज वैसे आप कह रहे होगे लोकेशन चेंज आई है, इस लोकेशन पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, तो वैसे आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं अफ्तारी पे, इसलिए मैं ना अपने रूम वाली साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर सबसे पहले हम फ्रेश हो लेते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज करें, नमाज पढ़ के फिर आगे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके तो जी चेंज हमने कर लिया था, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नमाज। कैसा मेरा नेक व्लॉग होता है, नमाज से शुरू होता है और तुम खोती के बच्चे सब्सक्राइब ही नहीं करते। खैर नमाज पढ़ लेते हैं फिर आगे हम घर जाएंगे और इंतजार करेंगे इफ्तारी का। जी इफ्तारी हमारी लग चुकी है, सबसे पहले इफ्तारी कर लेते हैं फिर चलते हैं, टाइम पूरा हो गया। अफ्तारी हमने कर लिया, नमाज भी हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं घर फिर देखते हैं भाई। तो जी अब हम आए थे यहाँ पे बन्नू पुलाव पे पुलाव खाने, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरी चल रही है जिसकी वजह से मिट्टी उड़ रही है। मुल्तान की आपको पता है मिट्टी मशहूर है, फेमस मिट्टी है मुल्तान की, लेकिन वो होती है रंग गोरा करने के लिए, ये जो बाढ़ उड़ रही है ना ये है रंग काला करने के लिए। खैर हमने ऑर्डर दे दिया, अब जैसे खाना आएगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। ये कह रहे हो कि फ़ोन कैसे खड़ा है, ये मैंने फैसल के हाथ में दिया हुआ। ये जी इस एनक वाले अंकल को हमने ऑर्डर दे दिया, जैसे ही पुलाव आता है खा के फिर चलते हैं बाहर, बाहर की मिट्टी भी दिखाता हूँ आपको। तो जी पुलाव शलाव खा लिया, अब हम चलते हैं बाहर, बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसलिए मैंने बाहर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सीधा घर जा कर ही दिखाऊँगा। तो जी अब हम जा रहे हैं बाहर, बाहर ये गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। तो जी ये है वो गाड़ी जो हमारा इंतज़ार कर रही होगी, आवाम वो वाली समझी होगी जी। तो जी अब मैं आया था सामा भाई के पास, आप देख लो कि मैं ऐसे खाली जगह पे क्यों रिकॉर्ड करूँ। ये जो वो बंदा खड़ा है ना, ये जो अगला बंदा खड़ा है ना, इसके अलावा जो पीछे बंदा खड़ा है ये बड़ी खर्चा बड़ा शोर डालता रहता है, इसकी वजह से मैं ना यहाँ खड़ा रिकॉर्ड करूँ। तो खैर यहाँ पे मैं लेने आया था एक्स मैक्स, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं ना ब्लॉगिंग के लिए एक स्पेशल फोन ले रहा हूँ, तो मैंने ये लिया एक्स मैक्स, कैसा फिर चिकना है ना। खैर अब हम जाके इसके अंदर डाटा शाटा करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर हम कल से ब्लॉगिंग इस तरह करेंगे, ठीक है। ओके ओके अभी हम जाते हैं भाई, ये देखिए ये है वो बंदा जिसने खर्च डाली हुई है, जिसकी वजह से मैं दूर जा कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने करीब से दिखा देना, पता चले खर्च कैसी होती है। यार ये देखो ये मन्नत का पानी भर के आ रहा है सारी दुकानों से थोड़ा थोड़ा, और ये आके हमें अभी पिलाएगा। ये देखो भाईजान कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पानी सही सही सलामत है ना पानी के बदले। मेहनत करके आए यार, उसको पहले भी ले दो। तो जी मैं अभी तक भी उसामा भाई की शॉप पे ही बैठा हूँ, यहाँ पे सिर्फ फैसल और मैं ही बैठे हैं, और वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो इंतजार करता है कि कोई शॉप पे आए मैं उसको बिठा के चला दूँ, मतलब कोई भी नहीं जैसे मैं आ गया या कोई जाने वाला। अब ये इधर फोनों के ना जरा ना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो इस वजह से बैठा हूँ, इतनी देर होगी आप तकरीबन दिखा रहा है ये 31 मिनट रहते हैं, जैसे ये डाटा होता है फिर हम कुछ निकलते हैं। चलिए हमारा काम हो गया है, अब हम यहाँ से जाने लगे हैं। वैसे तो ये भी शॉप बंद कर रहा है, ये चेयर नहीं रखनी जिसे मैं बाहर रख के बैठूँ, फिर अब घर जा के ही मिलता हूँ। तो यार अब मैं घर तो आ गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, पीछे पत्ते देख सकते हो खुले, और नए फूल निकले हुए हैं, ये तो मैंने दिखाई नहीं। ये देखो कैसे नए नए फ्रेश फूल निकले हुए हैं, और इनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है, ये सारे यही निकले हुए हैं, ऊपर तक देख लो। आज तो मैंने तुम्हें फूल दिखाना भूल ही गया। खैर अब हम अंदर चलते हैं, मुँह शुद्ध होते हैं। यार मैं घर तो आ गया हूँ, मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, फिर एक चीज़ तो मुझे फिर याद आई है, इस पर हमने ना प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है ना पीछे इसके ऊपर पीछे वाला प्रोटेक्टर लगवाया हुआ है, इसीलिए पहले जाके ना अब ये लगवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे स्क्रैच पड़ जाएंगे। यार अब मैं खलील भाई के पास आ गया था, मेरी आवाज़ कम ही आएगी क्योंकि यहाँ जलसा लवर वालों का ना ऊँचा जलसा ज़्यादा। खैर इसका हम ना प्रोटेक्टर जली छली लगवा लेते हैं ताकि ये सेफ रहे। पाउचेस चेक करो पाकिस्तान को नहीं बेचने देंगे, पाकिस्तान हमारा है और हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी।
छोटे भाई के लिए एक आईफोन भी डाटा केबल दे दिया। खंबे से हट जाए, खंबे से हट जाए, कुछ बड़ा दिन ना कुछ कर पाने दावा प्रयोजन खराब कर के शब आगे ये हमारे वाले बिल कहते हैं कैप कर से कि अमेरिका ये सारे लगाते थे। सेक्सी लग रहा है ना जैसे डब्बे में से निकला हुआ है, इनके पास इसीलिए तो आता हूँ मैं। वो ये गरम हो गया, उसने वो फोर्ट गन से वो किया इसीलिए। पाउच यार हमने ये लिया जैसे कल साजिद को लेके दिया था ना, ये बस ब्लू कलर में है सेम वही। ये टिकटॉक पे ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ये सारे कलर वाले। अच्छा हर बच्ची ने ऐसा पाउच लगाया हुआ टिकटॉक पे, हर बच्ची ने। हम लगाएंगे तो हमें और बच्चियों में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए नहीं ले रहे। बर्गर बच्चों ने भी ये लगाए हुए हैं, बर्गर बच्चे। अब आखिर में कहता हूँ कि अब सलीम भाई को देखें अपने काम में कितना बिजी। ये कहते थे कि वजीर आजम इस्तीफा दे इलेक्शन करे, मैं कहता हूँ आओ ना मुकाबला करो ना कि पता चल जाए कि पाकिस्तान ये लगाओ डट गया। अब इमरान खान इन लोगों की जिद बन चुकी है, देखो कैसे जिद कर रहे हैं कि इमरान खान को लाना है और 100% वोट देना है। आप वोट देंगे, घर घर जाएंगे, इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। ये तो सही है वैसे, मुझे लिखा हुआ नजर आता है। आपको बहुत बहुत मुबारक। वैसे वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो सिंपल में था ना, ये नीला है ठीक है वैसे, लेकिन इतना खास नहीं। ये देखो कैसा लग रहा है, फिर टैक्सी लग रहा है ना पाउच, ठीक है डलवा लिया, अब हम चलते हैं। ठीक है मुजम्मिल भाई, ओके खलील भाई। तो जी एज यूजुअल हम थोड़ा सा ना फ्रेश होने दोबारा आए थे गोलबाग। ये देखो ये पहली बोतलें लेके ना भागे जा रहे हैं, अब हम जाके अपना फेवरेट बेंच ढूंढेंगे, इन उस पर जाके बैठेंगे। मोस्टली तो मुझे अब खाली बेंच नज़र आ रहे हैं सारे, आवाम लगता है चले गई हमारे डर से। हाँ जी पूरा गोलबाग बुक करवा लिया हमने अपने बैठने के लिए, ये जो भी बैठेगा नीचे बैठेगा। फिर ये ऊपर क्या कर रहा है भाई, चलो खैर है इसको छोड़ते। ये है जी हमारा फेवरेट बेंच जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमें मच्छर खाते हैं। थोड़े से अब हमें मच्छर खाएंगे, मच्छरों का रोज़ा खुलवा के फिर अब हम चलते हैं थोड़ी सी बोतल पी के। तो मैं वो स्ट्रा वाला मैजिक दिखाऊंगा, मुझे पता है तुमने देखना। तो जी मेरे मैजिक लवर्स के फ़ैन ये देख लो जी, ये स्ट्रा है, ये बोतल के अंदर है और ये उठा ली स्ट्रा से ही बोतल है। फिर कैसा दिया फिर फैसल, नहीं दिया अच्छा। मैंने फैसल के फ़ोन के लिए भी वैसा सेम टू सेम पाउच लिया था, अब हम इस पर लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। पाउच बड़ा अच्छा और सलीम सा ना अच्छा ही लगेगा लगा इस पर। ये ले वाइट भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है ना, ये देखो कैसा भी सलीम सा और ऐसा लेवल का लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, वाइट पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ना बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट साइड और बिल्कुल पतला सा है, ये देखो बिल्कुल कितना सलीम है, सिंपल जो ट्रांसपेरेंट होता है ना उससे भी ज़्यादा सलीम है, इसलिए तो हमने ये लिया दोनों के लिए सेम टू सेम। चलो खैर अच्छा लग रहा है, वॉलपेपर भी अच्छा है। तो जी अब मैं आया हूँ हैदर शाह के पास, बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा ही रहा होगा कि मैं किसके पास आया हूँ। तो जी व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको ना हैदर शाह से एक ऑफर ले दूँ, और आज तो आपको ऑफर भी अच्छी मिलेगी क्योंकि हैदर ने भी सेम टू सेम एक्सएक्स मैक्स लिया जैसा हमने आज लिया, जो मैंने आपको दिखाया वो मेरे पास है पड़ा। हैदर ने भी आज ही एक्सएक्स मैक्स लिया, हमने इकट्ठे ही लिया, लेकिन इसका कल ही इसको मिल गया था, मैंने आज जाली शायद लगवानी थी। मैंने भी आपको कल वाले व्लॉग में ही मैंने आपको दिखाया था कि मैं ना एक्सएक्स मैक्स ले रहा हूँ, तो फिर ये मैंने आज उठाया, इसको कल ही उठवा दिया था। खैर जी रमजान की क्या ऑफर है ये बताओ स्पेशल। रमजान की ऑफर है कि 2 किलो तोरियां फ्री, 2 किलो तोरियां फ्री, जो लाइक शेयर करेगा उसके लिए है ये सिर्फ, और अफ्तारी से पहले पहले। कितने रुपए किलो हो गई है तोरियां? तोरी 160 रुपए किलो है, और 2 किलो की ऑफर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, टाइम नहीं लगाना, जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके यार अब तुम लोग भी सोच रहे हो कि वक्त कैसे बदल गया, जज्बात कैसे बदल गए। तो जी अब मैं जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ के, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो जी सहरी का मैंने कहा था, सहरी करके मैं सो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। फिर मैं जोहर की नमाज़ के लिए उठा, नमाज़ पढ़ के फिर सो गया था, मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर अब असर की नमाज़ भी पढ़ के वापस जा रहा था, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। वहाँ गई कैसा व्लॉगर है ये, करता कुछ रहता है दिन से सीधा रात कर देता। खैर अब हम जाते हैं घर, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ आज का। वैसे रोज़ा मुझे इतना लगा नहीं है, सोता रहूँगा तो रोज़ा कैसे लगेगा।